नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण का विषय चल रहा है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और उस दिन से पौधरोपण करना भी प्रारंभ कर दिया जाता है। इसी कड़ी में आज गुड्डू चौहान के वार्ड के पार्क नंबर 5 में वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ नागरिकों ने मिलकर पौधरोपण किया। इसके साथ ही जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि हर साल यहां प्लांटेशन किया जाता है और इस बार नगर निगम 30 अगस्त तक 1.5 लाख पौधे पूरे भोपाल में लगाएगी, जिससे हमारे चारों ओर मौसमों का वातावरण ठीक होगा। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों को काफ़ी संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। शासन की मंशा तो यह है कि अगर एक पेड़ हटे तो उसकी जगह पर 2 पेड़ लगाए जाएं। पर्यावरण संरक्षण पीरियड चल रहा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, उस दिन से पेड़ पौधे लगाना शुरू होते हैं। गुड्डू चौहान जी के वार्ड में यहाँ 5 नंबर के इस पार्क में हर साल प्लांटेशन होता है। आज वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ यहाँ के निवासी अधिकारी गण, इन सब ने यहाँ पौधारोपण किया है और नगर निगम 30 अगस्त तक 1.5 लाख पौधे पूरे भोपाल में लगाएगी। ये और जितने पेड़ लगेंगे, भोपाल की जो जलवायु है, जो यहाँ का वातावरण है वो ठीक होगा और जो मौसम है, हमारे चारों मौसम वो मौसम ठीक रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ लगाना चाहिए और शासन की मंशा है कि अगर एक पेड़ हटे तो 2 पेड़ लगाए जाए। तो मुख्यमंत्री पंढरपुर भी जा रहे हैं सर, कब जा रहे हैं और क्या वजह पूरा? 9 अगस्त को मुंबई में मध्यप्रदेश भवन का लोकार्पण है। कल पंढरपुर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने उनसे और वहाँ के जो लोकल विधायक हैं पंढरपुर के, उनने कांग्रेस के, उनने आग्रह किया था कि आप जब बॉम्बे आ रहे हैं लोकार्पण के लिए मध्यप्रदेश भवन के, तो पंढरपुर आके भी पांडुरंग भगवान की पूजा अर्चना करें। पंढरपुर में एकादशी जो कल गई, लाखों लोग वहाँ पर आते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हर साल आदि हाथ को पूजा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वहाँ हर साल जाते हैं। पंढरपुर से जब उनसे बात की तो उन्होंने सहमति दी है कि जब वो बॉम्बे आएंगे तो वहाँ आके पंढरपुर महाराज की, पांडुरंग महाराज की पूजा करेंगे। भाई साहब, मध्य विधानसभा के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा आटा, चावल, आलू, ब्याज बांट रहे हैं, कह रहे कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, गुमठियाँ जो हटी है तो उन वो व्यापारियों को, वो पूर्व विधायक हैं, पहली बार तो विधायक अभी आरी मसूद है वहाँ पर। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है, जिन लोगों के पास वहाँ कोई पुराना अलॉटमेंट के कागज़ है उन लोगों को नहीं हटा रहे हैं। जो इनके ज़माने में अनऑथराइज लोग बैठ गए थे और वहाँ लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन जो लोग भी होंगे जिनके पास कोई भी उसका कागज़ है, कोई पत्र है, कोई अलॉटमेंट है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।